गाय बिल्ली कुत्तों की हो जाएगी, सब लोगों की हो जाएगी, लेकिन ओबीसी की नहीं होगी जनगणना। अगर होगी तो देश विरोधी काम है ये। हमेशा सुप्रीम कोर्ट की कलम हमारे ऊपर बहुत तेजी से चलती है और तुरंत तत्काल प्रभाव से चलती है। दो बार गलती हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, मैं बता दूं, आप लोग नोट कर लें। पहली बार गलती हुई थी उनकी एसएसटी एक्ट पे, 23 तारीख को हमारा भारत बंद रहेगा अगर उससे पहले सरकार इस पर अध्यादेश नहीं लाती है। सबसे पहले तो यहाँ पहुंचे सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये संविधान की किताब है, इसे बचाने की लड़ाई है बस। कुछ लोग मिलकर इसे खत्म कर देना चाहते हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच जाए, और बचेगा भी, क्योंकि जब एक बड़ी आबादी इसके साथ खड़ी है तो बचेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर को मैंने कई बार सुना, बड़ा अच्छा बोलते हैं, हम दलित हितेशी हैं, हम पिछड़ों के हितेशी हैं, सबका साथ सबका विकास, नारे बड़े अच्छे और सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। अभी कह रहे थे सीएनआरसी पे चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि दलित ही आ रहे हैं वहां से, 70% दलित आ रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, उनकी परवाह कर रहे हैं हम लोग। मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में जो रह रहे हैं दलित पिछड़े आदिवासी धार्मिक अल्पसंख्यक, उनकी तो परवाह कर लो, इस मुल्क की तो परवाह कर लो, इनकी तो हो नहीं रही है। मैं एक आंकड़ा भी है मेरे पास, सरकारी आंकड़ा दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि जरूरत नहीं है अब इस देश का बहुजन समाज सरकार की दया पर रहे, अधिकारों की बात ना करे, कोई मौलिक अधिकार यहाँ नहीं है। और ऐसे सरकार बोल रहे दोनों एक जैसी भाषा ना बोले, लोकतंत्र पे शक हो जाएगा। कि मुझे लगता है कि हमने ये संविधान पढ़ा है और भाजपा के लोग शायद मनुस्मृति की तरफ से देख रहे हैं सब चीजें, इसलिए आपको आंकड़े देने पड़ रहे हैं कि क्लास वन में एससी एसटी का रिजर्वेशन है 23%, और अभी तक जो इतने समय से रिजर्वेशन चल रहा है 5.5% पूरा हुआ है। हम पे आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, लेकिन माननीय न्यायालय पे आंकड़े नहीं, तो उनके ऑर्डर आ गया हमारी तरफ। क्लास वन में ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, बैठता तो 52% है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा 92 में कि हमारे पास क्योंकि जनगणना नहीं हुई दोबारा तो हमें जानकारी नहीं, गाय बिल्ली कुत्तों की हो जाएगी, सब लोगों की हो जाएगी, लेकिन ओबीसी की नहीं होगी जनगणना, अगर होगी तो देश विरोधी काम है ये, ऐसा सरकार कहती है। तो उनका 27% रिजर्वेशन बैठता है, 4.5% अब तक पूरा हुआ, तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं देंगे, नहीं बिल्कुल भी रिजर्वेशन। उनपे तो पहले ही बैन कर देता, क्रीमी लेयर और प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं देंगे। माइनॉरिटी की 19% आबादी है, कुछ लोगों तो है ही नहीं है, लेकिन 1% रिजर्वेशन है अभी तक जो पूरा हुआ है, जो मिला है। अब इतना कुछ नहीं मिला, कौन से आंकड़े चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देंगे आंकड़े भी, प्रयास करेंगे कि गलतियां हो जाती। अब कैसे गलतियां होती ये भी बात मैं रखूंगा अभी आगे। सबसे पहले तो मेरी दरखास्त रहेगी, हमारे बहुत जिम्मेदार एमपी एमएलए हैं सभी गवर्नमेंट में पूरे देश के अंदर, तो अगर एससी एसटी ओबीसी के जो एमपी एमएलए उनसे दरखास्त है, उनको सुनेंगे भी से जरूर, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं उनसे, कि आप बाबा साहब के संविधान और समाज के प्रति अगर आप में जरा से भी संवेदनाएं हो तो आप गवर्नमेंट पर दबाव बनाए कि वो इस पर अध्यादेश लाए, ऑर्डिनेंस लाए और इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म हो जाए। हमारे अधिकारों की बात होगी तो न्यायिक हस्तक्षेप हमारे ऊपर ज्यादा होता है, तो आपसे निवेदन है अगर ऐसा नहीं कर पाते, सरकार आपकी बात नहीं मानती, तो उनके चेहरे भी उजागर हो जाते हैं, क्योंकि कितने हितेशी हैं दलित पिछड़े आदिवासियों के, मुसलमानों के, धार्मिक अल्पसंख्यकों के, और ऐसा नहीं करते हो तो आप दबाव बना के इस्तीफा भी दे सकते हैं, इससे भी आपका समाज के प्रति चेहरा उजागर होगा कि आप समाज से कितना प्रेम करते हैं। ये पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी है केंद्र सरकार से भी आग्रह, क्योंकि केंद्र सरकार भी हमेशा से दलितों पिछड़ों आदिवासियों के साथ खड़ी रही, खूब मारा इन्हें, तो उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से सरकारी और प्राइवेट जो सेक्टर है उनमें पढ़ाई में, नियुक्ति में और प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है संख्या के आधार पर, जो सामाजिक न्याय का की मूल अवधारणा कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर लागू करें। अगर आप वास्तविकता में कॉन्स्टिट्यूशन को, इसी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उस पर चल रहे हैं। अगर आप मनुस्मृति के हिसाब चल रहे हैं तो आप बिल्कुल ना करें, फिर हम लोग सड़क से कराएंगे आपसे, ये हमारी जिम्मेदारी बैठती है। एक ये बहुत गंभीर बात है, इस पे हो सकता है कि मुझे फिर से सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कहे कि आप सम्मान क्या करो, मैं बिल्कुल करता हूँ सब लोगों का सम्मान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन के लिए बहुत दिन से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक तो नहीं मिला और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलतियां हो रही है, क्योंकि एक बड़ा समूह बैठ के, एक ही जाति धर्म का समूह बैठ के सब लोगों के प्रति अच्छे फैसले नहीं दे सकता, ये हमें लग रहा है। और क्यों इसका कारण बताना, गलतियां सबसे होती है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट की कलम हमारे ऊपर बहुत तेजी से चलती है और तुरंत तत्काल प्रभाव से चलती है। बाकी इकोनॉमिक रिजर्वेशन का मामला तो वो कह देते हैं अभी स्टे नहीं होगा, अभी तो चलने दो, तो ये गलत है। दो बार गलती हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, मैं बता दूं, आप लोग नोट कर लें। पहली बार गलती हुई थी उनकी एसएसटी एक्ट पे, और ये उन्होंने एडमिट भी किए और अभी कल परसों इस पे भी आया था फैसला कि ये सही है और होना चाहिए, एसएसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी है, ये कोर्ट का ही फैसला था। तो फिर वो बदला भी गया, लेकिन उसमें हमारा कितना नुकसान हुआ ये बताना जरूरी है। 2 अप्रैल को हम लोग सड़कों पे आए थे, 14 से 15 लोगों की जान गई, इतने हमारे लोगों ने शहीदगी दी, और हजारों लोग मुकदमे झेल रहे हैं अभी भी पूरे देश के अंदर। इतना नुकसान होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि उनसे गलती हो गई है, और ऐसा ही उनका फैसला आया था रविदास मंदिर पर, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी का मंदिर तुगलकाबाद में, उस पर फैसला आया था। बाद में उन्हीं का ऑर्डर आया कि बनना चाहिए और जगह भी दे रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि दो। तो गलतियां हो जाती है, हम मानते हैं गलतियां होगी है। अब पता नहीं क्या हो रहा है कि 9 जज की बैच का फैसला, 2 जज की जो बैच है वो बदल दे रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी आस्था जो है, हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट में बना है और बना रहेगा, उम्मीद है कि वो अपनी गलतियां सुधारें, थोड़ा सा देख लें, चेक कर लें कहां गलती हो रही है। तो ये 2 गलतियां, ये भी गलती है, 16(4)(a) में प्रावधान है प्रमोशन ऑफ रिजर्वेशन का, आंकड़े मैंने आपको दे दिए हैं कि ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। हम आईएएस पीसीएस तो बन जाते हैं हमारे लोग रिजर्वेशन के दम पे, लेकिन वो कभी डीआईजी डीजीपी नहीं बन पाते हैं, डीआईजी नहीं बन पाते, प्रमोशन नहीं मिलेगा। और ऐसा सैकड़ों ऐसे मामले हैं सीआर में जो रेड कलम चलती है। हम चाहते हैं सब लोगों को बराबर के अधिकार मिले और ऐसी छेड़खानी ना हो, तो माननीय न्यायालय भी इस पर गौर करें। और बाकी तैयारी हमारी है कि 16 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक, मंडी हाउस से पार्लियामेंट 16 तारीख को। समय 1 बजे से स्टार्ट करेंगे, 12 से 1 के बीच में स्टार्ट करेंगे, ये है। और दूसरा 23 तारीख को हम लोग भारत बंद बुला रहे हैं, सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि जो भी पूरे देश में एसएसटी ओबीसी के नेता हैं, उनके जो संगठन है, उन सब लोगों से उम्मीद करेंगे वो समर्थन करें। 23 तारीख को हमारा भारत बंद रहेगा, अगर उससे पहले सरकार इस पर अध्यादेश नहीं लाती है और इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है, तो 23 तारीख को हमारा भारत बंद रहेगा। और क्योंकि ये समाज का मामला है, पूरे बहुजन समाज का, हमारे अधिकारों की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की बात है, तो हम सभी नेताओं से और सभी संगठनों से अपील करेंगे, एसएसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो नेता संगठन है कि वो इसका समर्थन करें। तो 23 तारीख को हमारा बंद है और 16 तारीख को हमारा मार्च है मंडी हाउस से और पार्लियामेंट तक। और हम चाहेंगे कि अगर सरकार जन भावना भी सुने, सुप्रीम कोर्ट भी, कि ये हमारा राइट्स है, इस देश में बड़ा भेदभाव हो रहा है, इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने लोगों के अधिकारों को लड़ेंगे, हमारे अधिकारी कर्मचारी त्रस्त हैं, सारी सरकारें उनका शोषण कर रही हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, और ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। और जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ है आप सब लोग जानते हैं, मुझे बार बार चिल्लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है चिल्लाना गलत है। ये भी कंफर्म कर दूं आपको कि जो एमपी एमएलए है ना शेड्यूल कास्ट के एसएसटी ओबीसी के, अगर ये नहीं सुनेंगे हमारी बात तो इनके घरों का घेराव करेंगे हम लोग, इनसे सवाल पूछेंगे, हमारा अधिकार है, हमारे लोगों ने वोट देकर बनाया, इनसे सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं बोल रहे हमारे मामलों में, इसलिए बाबा साहब ने आपको दिया था रिप्रेजेंटेशन। ये एससी एसटी से तो जरूर पूछेंगे, ओबीसी से भी पूछेंगे जो उनके हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली है, लेकिन एससी एसटी के इसलिए पूछेंगे कि रिजर्वेशन की सीटों पर बैठे हैं, वहां जाके जो एसएसटी के एमपी एमएलए उनसे जरूर सवाल करेंगे, उनका घेराव करेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि वो जागे। अब उम्मीद है उनसे कि वो कम से कम उन संविधान का सम्मान करें, बाबा साहब की उस मेहनत का सम्मान करें जो उन्होंने अधिकार दिए हमें। जी हम सभी पार्टियों से भी निवेदन करेंगे कि वो भी आज दलित पिछड़े आदिवासी धार्मिक संघों के अधिकार का और उनकी आने वाली पीढ़ियों का क्या वो रहेगा वजूद इस देश में, उसका सवाल है, हम उनसे भी उम्मीद करेंगे समर्थन करें। और अगर नहीं करते तो उनका ये भी पता लगता कितने हितैषी हैं वो, हमारे लोग भी जरा जाग जाए देख लें कि कौन दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, धार्मिक संघों का हितैषी है और कौन विरोधी है। जो समर्थन नहीं करेगा हम उनका भी ख्याल रखेंगे, सब लोग, ये लोकतंत्र है, हम ही बनाते हैं सब लोगों को, तो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि वो सब लोग इसका समर्थन करें, क्योंकि हमारे मूलभूत अधिकारों के देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है आरएसएस बीजेपी का,
तो यही हमने जमा मस्जिद के ऐतिहासिक सीटों से कहा था कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मुसलमान बहाना है, असली चोट दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को देनी है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को इनको निकालना है, इनको कैद करके मनुस्मृति लागू करनी है। ये सच्चाई है। ये जो फैसला आया ना अभी 7 तारीख में, ये बीजेपी गवर्नमेंट और उनके वकील से लेके गए वहां पर उत्तराखंड से, आप चेक करें उसमें लिखा हुआ है। किसकी सरकार है? बीजेपी उत्तराखंड में, बीजेपी की सरकार है और उन्होंने कहा है कि हम नहीं देंगे, वो कोर्ट लेके आए। तो बीजेपी का चार्जशीट यहाँ साबित हो रहा है क्या है, तो वो आपस में बैठकर डिस्कशन ना करें, उसको जमीन पे भी लेके आए क्या है। एक तरफ आप खत्म करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाके, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, विचार से काम चलेगा, रिजल्ट चाहिए। जो बहुजन विचारधारा पे काम करेंगे उन सब लोगों के साथ खड़े हैं, और हम खुद जाके ले आएंगे जो बहुजन विचारधारा पर बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करेंगे। तो किसी से हमारी लड़ाई नहीं, हम कह रहे हैं ये संविधान बचाने की लड़ाई, सब लोग आए। लेकिन याद रखें कि इस देश में एक बड़ा तबका है जिसको इग्नोर करके उनका नेता बनने का प्रयास किया जाता है हमेशा। ये नहीं होगा, आप बहुजन ही नेता रहेंगे हमेशा, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जिनकी ज्यादा वोट होती है वो सरकार में रहते हैं। अब ये नहीं हो रहा, अब तो हम प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज के वास्तविक लोग सरकार में आए और उनके हितों के लिए काम करें। क्लोज करें, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।